यानी मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना एक नंबर 7 सीटर कार यही गाड़ी है। ये देख रहे हो यार भाई, इस सेगमेंट में यार ये फीचर कोई और ब्रांड नहीं देता। हेलो भाई, मैं हूँ आसिफ सुहानी और सामने आपके खड़ी है रेनो ट्राइवर की भाई ब्लैक कलर, जिसे कंपनी वालों ने नाम दिया है अर्बन नाइट लिमिटेड एडिशन। यार ब्लैक कलर की जो गाड़ी है ना, चाहे कोई भी ब्रांड हो, वो सारी ब्रांड फोकस करती है कि थोड़ा एक अलग कलर लाएं, क्योंकि बंदों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है ब्लैक कलर। एसयूवी की बात कर ले, 7 सीटर की बात कर ले, सेडान सेगमेंट की बात कर ले, चाहे कोई से भी सेगमेंट की बात कर लो, आपने इनका रेनो काइगर जो आता है वो भी देखा होगा, सेम अब आपको इसमें भी मिलेगा। और यहाँ तक छोटी जो क्यूड आती है उसमें भी आपको ये नाइट लिमिटेड एडिशन देखने को मिलने वाला है। अब भाई ये कलर थोड़ा स्पेशल कलर है, तो आपको इसके लिए मालूम है 20,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं प्राइस, नॉर्मल जो टॉप वेरियंट RXZ मिलती है उस मैनुअल के मुकाबले। अब प्राइस क्या है इसका, वो चीज़ बताते हैं। तो ये है अपना सबसे टॉप वेरियंट RXZ पेट्रोल मैनुअल के साथ, इसके लिए आपको 100 रुपये देना पड़ता है 8,37,000 रुपये, और ऑन रोड चली जाती है 9,68,000 रुपये। नॉर्मल लोगे तो 9,48,000-49,000 रुपये के करीब जाने वाली है। तो आ जाओ फ्रंट साइड से थोड़ी बात हो जाए। सिर्फ कलर नहीं, कुछ कुछ फीचर्स जो हैं वो भी एक्स्ट्रा है इस ब्लैक कलर यानी लिमिटेड एडिशन, नाइट एडिशन, जो एडिशन कह लो। फ्रंट साइड में यहाँ पर आपको रेनो का लोगो मिल जाता है, क्रोम कलर का ग्रिल में आपको टोटल 3 पट्टी मिल जाता है। फ्रंट में ब्लैक कलर यहाँ हो गया और सिल्वर कलर का नीचे साइड में मिल जाता है स्किड प्लेट। हेडलैम्प तो यार बेस लो टॉप लो प्रोजेक्टर वाले मिलने वाले हैं, नॉर्मल हेलोजन बल्ब, इंडिकेटर नॉर्मल हेलोजन, ये हो गए आपके हाई बीम के लिए। लो बीम इसमें जलेगा, हाई बीम आपका इसमें जलेगा, और DRL का जो सेटअप है वो मिल जाता है LED वाला इसके अंदर, क्रोम कलर आपको साइड में भी जाता है मिल। तो यार ब्लैक कलर तो एक सहनशाही टाइप का कलर है, रोड पर एक अलग रोड प्रेजेंस मिलता है यार इस गाड़ी को, मेंटेन करना थोड़ा हो जाता है मुश्किल, साफ सफाई भाई ज़्यादा मांगती है। टायर साइज की बात करें तो इसमें आपको मिल जा रहा है फ्लेक्स व्हील टाइप की, मतलब स्टील रिम के ऊपर व्हील कैप लगे हुए हैं, दिखने में एलाय व्हील टाइप का डिज़ाइन लग जाएगा बेशक से। 15 इंच का मिलता है 185x65 R15, ग्राउंड क्लियरेंस 180x182 mm का मिलता है। और ये आप देख रहे हो, वैसे तो ये नॉर्मल में भी आते हैं लेकिन ब्लैक कलर के ऊपर जो सिल्वर कलर का आपको इस साइड मिल जाता है वो दिखने में और थोड़ा रिच टाइप का कर देता है। ORVM के ऊपर इंडिकेटर मिल जाएंगे, डोर हैंडल्स क्रोम कलर के मिलते हैं, 2023 में जो नई वाली अपडेट आई है उसमें टॉप वेरिएंट में आपको क्रोम कलर के मिलने लगे हैं। ये सारी चीज़ तो खैर बात हो गई। फ्रंट में डिस्क ब्रेक कैलिपर मिल जाएंगे, पीछे साइड ना आपको नॉर्मल ड्रम ब्रेक मिलता है, और टेल लैंप जो है ये सारा सेटअप मिलता है भाई LED वाला। रेनो का यहाँ पर लोगो हो गया, ड्राइवर लिखा हुआ आता है, रेनो लिखा हुआ यहाँ पर आ जाता है। टोटल 3 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, रियर वाइपर हो गए, डिफॉगर हो गए, हाई माउंट स्टॉप लैंप, वॉशर, रूफ रेल्स। भाई फीचर्स की अगर बात करें ना, तो यार इस प्राइस पॉइंट पर ना आपको एक 7 सीटर कार सिर्फ रेनो वाले ही दे पाते हैं, जिसमें आपको अच्छे खासे डेली यूज़ आने वाले फीचर्स मिल जाते हैं, अंदर साइड में स्पेस मिल जाते हैं, ये सारे चीज़ मिल जाते हैं, वो भी लो बजट में, यानी मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना एक नंबर 7 सीटर कार यही गाड़ी है। टैंक कैपेसिटी मिलता है 40 लीटर का। अगेन आ जाते हैं यहाँ पर, इस जगह आपको मिल जाएगा वही सिल्वर कलर का पट्टी, इस साइड आपको स्किड प्लेट मिल जाता है सिल्वर कलर का, रियर कैमरा आपको यहाँ पर मिलते हैं, इस जगह मिल जाता है एक सेंसर यानी बटन टाइप का चीज़ जिसे प्रेस करते हो भाई तो एक जादू होता है, यानी टेलगेट ओपन हो जाता है। 80-84 लीटर का ये आपका है बूट स्पेस। पहले यहाँ देख लो फीचर्स, तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जा रहे हैं, इस साइड भी आपको मिल जा रहे हैं, सीट आपको एडजस्टेबल यानी रिक्लाइन वाला तो सिस्टम मतलब वैसा नहीं मिलता है, बट फोल्ड करना है तो ये फोल्ड कर देते हो, तो 650 लीटर के करीब का मैसिव सब बूट स्पेस यहाँ पर जाता है बन। पीछे साइड वाले पैसेंजर्स के लिए देखो 12 वोल्ट वाला चार्जिंग सॉकेट, AC वेंट्स मिल जाएगा, ग्रैब करने के लिए भाई जगह मिल जाता है, हैंडल यानी मतलब प्रॉपर आपको फील दिला देगा यार SUV टाइप का, पीछे बंदे बैठ जाओ इसे पकड़ के भाई हिचकोले खाते रहो।
हिचकोले से तो यार स्कॉर्पियो क्लासिक का बात याद आ जाता है, वैसी हिचकोला कोई और गाड़ी अभी के टाइम नहीं देती है। ऊपर साइड में आपको मिल जाते हैं लंबे से साइज़ के एंटीना, ये चीज़ कंपनी वालों को थोड़ा सुधार करना चाहिए भाई, देना चाहिए यार। शार्क फिन वाला सारे ब्रांड्स अब इस चीज़ से दूर हट रहे हैं, दे रहे हैं शार्क फिन वाला एंटीना, तो इन्हें भी भाई इसके ऊपर काम करना चाहिए। अब एक काफ़ी अच्छी और पुरानी फीचर्स भाई, इसका जिक्र हर वीडियो में होता है रेनो के टॉप वेरिएंट वाली में, पास जाते हो तो भाई गाड़ी आपकी हो जाती है अनलॉक। टोटल चार बटन्स मिलते हैं, अनलॉक करना है, लॉक करना है, टेलगेट अनलॉक करने से रिलेटेड, और इसे प्रेस करते हो भाई। ये ना चीज़ आज तक समझ नहीं आया, जैसे कि गाड़ी अगर मैं कर देता हूँ लॉक, ऐसे तो इसका जो रूफ लाइट है वो जल जाता है, बट पता नहीं यार इस चीज़ का भाई आज तक समझ नहीं आया। ऐसे काइगर में ना अपना ये लाइट जल जाता था, रूफ लैम्प। अब आ जाइए इंटीरियर में, सबसे पहले इग्निशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये अपना हो गया इग्निशन ऑन, और फैन की स्पीड जो है वो भाई हो गया यहाँ पर जीरो, पीछे साइड का एसी वेंट्स चालू है। पावर विंडो से रिलेटेड कंट्रोल मिल जाएंगे, इंजन स्टार्ट रहेगा तभी ये चीज़ शायद अपना काम करता है। ऑटो अप डाउन मिलता होगा ड्राइवर साइड वाला, वो RVM आपको एडजस्ट करना है, वो सारा चीज़ आपका यहाँ से हो जाएगा। थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर मिल जाता है, स्पीकर मिल जाते हैं, बोतल होल्डर मिल जाते हैं, और सीट में हाइट एडजस्टमेंट भी मिल जाता है। और ये जो आप रेनो का इस साइड स्किड प्लेट, क्या कहते हैं इसको भाई, मतलब स्कफ प्लेट जो भी कह लेते हैं, वो चीज़ कंपनी वाले यार लगा करके देते हैं, यानी कंपनी फिटेड आता है जिसमें रेनो के अंदर लाइट भी जलता है। अब आ जाइए इंटीरियर में, आते हैं सीधा सीधी फीचर्स के ऊपर, नो बकवास, फीचर्स की बात यहाँ से हो जाए। ये पीछे वाला भी हो गया बंद। तो स्टेयरिंग व्हील आपको मिलता है नॉर्मल वाला, जिसके ऊपर इस साइड कंट्रोल्स मिल जाते हैं इस इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड। ये हो गया, ये हो नहीं गया यार, ये स्टार्ट ही हो गया, चलो म्यूट हो जाओ। म्यूट करना है, कॉल रिसीव कट करना है, उससे रिलेटेड कंट्रोल हो गया। तो अब बात करते हैं इस MID का, बट इससे पहले आ जाओ एक काफ़ी ख़तरनाक फीचर्स आपको दिखाते हैं जो अभी के टाइम नया इसमें किया गया है ऐड। जैसे ही आप यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप यानी इग्निशन ऑन करते हो, फिर भाई यहाँ पर देखना आप, ये देख रहे हो यार भाई, इस सेगमेंट में यार ये फीचर कोई और ब्रांड नहीं देती है। चाहे आप इसके ऊपर वाले सेगमेंट में चले जाओ, चाहे आप इसकी अर्टिगा कैरेंस, मतलब किसी भी गाड़ी में चले जाओ, ये तगड़ा सा फीचर्स ना यार कोई और नहीं देता है। इसके ऊपर आते हैं, पहले आप यहाँ देख लो, तो MID जो है ये आपको मिल जाता है, टैकोमीटर एनालॉग स्टाइल में, हालांकि एनालॉग क्या है, डिजिटल टाइप का ऐसा ऐसा बना हुआ मिल जाता है। इंजन हिट से रिलेटेड वार्निंग, फ्यूल लेवल इंडिकेटर हो गया, बीच में आपको एक डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाता है, माइलेज वाइलेज इन सब से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, और इसे चेंज करना है नीचे साइड, तो ये आप यहाँ से सर्विस इंटरवल, टायर प्रेशर वाला भी सिस्टम मिल जाएगा, ट्रिप ए ट्रिप बी, रेंज वेंज, मतलब सारा चीज़ बता देता है आपको। और जैसा कि ये तो आप जान रहे हो, इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल से रिलेटेड हो गया, ESC ऑन ऑफ से रिलेटेड हो गया, वो सारा फीचर आपको जाता है मिल। तो ये जो है ना आपका, ये भाई फ्रंट का व्यू दिखा रहा है, जैसे कि देख लो यहाँ पर रेनो ड्राइवर लगी हुई है, गार्ड अंकल बैठे हुए, वो सारा चीज़ आ रहा है सेल्समैन, मतलब जो भी आदमी है, ये भाई फ्रंट का अपना अच्छा खासा। और सबसे बड़ी चीज़ भाई क्लियर कैमरा है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल सा कैमरा चिपका दिया हो। आप यहाँ पर देखो अब अपना फ़ोन आ रहा है, भाई कैमरा की जो क्वालिटी है ना वो भी तगड़ी है। और पीछे साइड अगर यानी रिवर्स गियर आप इंगेज करते हो, तो अब आप देखो ये अपना रियर कैमरा ऑन हो गया, यहाँ पर भी बताएगा और साथ में आपको यहाँ पर भी बताएगा। अब ये चीज़ आपको कन्फर्म कराते हैं, जैसे कि वो देखो आप, कुछ ऐसा सा लेआउट बना हुआ है बिल्डिंग्स का, यानी नाइट एडिशन है, तो उस लुक के लिए तो यहाँ पर अपना आ जाता है। ऑटो डिमिंग IRVM है, इस जगह आपको रीडिंग लैंप मिल जाते हैं LED वाले, सन वाइजर में आपको मिरर नहीं मिलते बट इस साइड आपको मिरर भी जाते हैं मिल। ग्लोव बॉक्स मिल जाएंगे आपको बड़े से साइज़ का, ऊपर साइड वाला भी ग्लोव बॉक्स मिल जाएगा, इस साइड आपको कूल्ड ग्लोव बॉक्स मिल जाएगा चाबी रखने का, वैसे बोतल होल्डर ये सब रख सकते हो, इस जगह आप मोबाइल रखो स्टार्ट स्टॉप, और मोबाइल को चार्ज करने का चार्जिंग सॉकेट, 5 स्पीड के मैनुअल गियर लीवर, मैनुअल हैंड ब्रेक। भाई ये जो अपडेट है ना यार, भाई तगड़ा अपडेट लगा। हुंडई एक्स्टर में भी आता है, लेकिन भाई उसमें जरा सा बस नाम वाला डिस्प्ले कंपनी वालों ने दे दिया, तो यार रेनो वालों ने कमाल कर दिया।
यहाँ पर आपको स्पीकर मिल जाता है, विंडो से रिलेटेड कंट्रोल हो गए, यहाँ पर आपको पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए मिल जाते हैं चार्जिंग सॉकेट, वेंट्स कहाँ मिलेंगे एसी से रिलेटेड वो यहाँ पर मिलेंगे, इसके फैन की स्पीड कम ज़्यादा करना वो आप यहाँ से कर लोगे, और ये जो सीट है भाई अपना आगे पीछे होता भी है स्लाइड, एडजस्टेबल, दो हेडरेस्ट हो गया, बीच में आपको आर्मरेस्ट नहीं मिल रहा है भाई। गाड़ी में फीचर्स विचर्स कुछ ऐसा सा मिलता है यार, मतलब 968,000 9.5 लाख रुपए में आप और क्या चाहते हो इस गाड़ी से। एक चीज़ ये अपडेट करना चाहिए यार, ये केबल वाला आपको हेडलाइट एडजस्टिंग वाला जो सिस्टम है वो चीज़ मिल जाता है। अब आ जाओ थोड़ी इंजन की बात हो जाए, तो ये जो आप इंजन देख रहे हो ये है अपना 1 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, 72 PS का पावर और 96 Nm का टॉर्क डिलीवर करेगा। ऊपर साइड में पैडिंग वैडिंग भाई जाएगा मिल आपको, इस जगह विंडशील्ड वॉशर भरना है वो भर लोगे, तो यही फीचर्स आपको मिलते हैं इस नई नवेली रेनो ड्राइवर की अर्बन नाइट एडिशन यानी लिमिटेड एडिशन में। भाई कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये गाड़ी में नए फीचर्स वो आप हमें कमेंट करके बताओ। मिलते हैं जल्दी आपसे अगली वीडियो में, अगली वीडियो तक भाई ड्राइव सेफ, बी सेफ।